सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। अपोजिशन के हालात दुनिया में अगर मैं देखा जाए, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और खासकर यहां से अमेरिका से देख रहा हूं, जहां पे जमहूरियत की बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है और ये एक एज ए लेबोरेटरी काम करता है जमहूरियत के लिए, तो जमहूरियत को यहां भी चैलेंजेस हैं अमेरिका के अंदर। बल्कि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस इन यूएस, तो दूसरी दुनिया के अंदर उनके क्या हालात होंगे जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जमहूरियत के हवाले से। अब ये देखें कि अभी इस वक्त जो चैलेंज चल रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द मिड टर्म इलेक्शन, अमेरिका के अंदर इनके लिए एक बहुत, इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि इलेक्शन पे लोगों का एतमाद बहाल किया जाए। लोग पिछली दफा कोविड की वजह से जब मेल इन वोटिंग हुई थी उस वक्त से, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की थी कि फेक इलेक्शन या चेंजेस आई हैं, तो जमहूरियत को यहां भी ये चैलेंजेस है। और बिल्कुल बेजे साहब ने सही फरमाया है कि सोशल मीडिया इज अ बिगेस्ट चैलेंज और मीडिया इज अ बिग चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि अब मीडिया मीडिया नहीं रहा, वो एक इंडस्ट्री बन चुका है, जर्नलिज्म इंडस्ट्री बन चुका है, वो लोगों के माइंडसेट तैयार करता है कि आपने भी वोट किस तरह देने, पहले इस तरह नहीं होता था ये। तो जमहूरियत और दूसरा वीक जो अपोजिशन हैं वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अब आपने ये नया लफ्ज, मैं बड़े अरसे से इस पे अब रिसर्च कर रहा हूं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है। एक इलेक्शन इस वक्त एक आर्ट बन चुका है, आपने कभी नोट किया है कि यहां अमेरिका के अंदर, बल्कि मैं खुद एक कैंडिडेट, एक दो दफा मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, तैयारी की, और आजकल मेरा बच्चा यहां से, माय सन इज फिनिशिंग लॉ स्कूल और ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ, तो यहां पे मैंने देखा है कि किस तरीके से आपकी नेम रिकग्निशन को किस तरह लिया जाता है, वोटिंग को किस तरह देखना है, चीजें एक पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अमेरिका की हद तक नहीं रह चुकी, पूरी दुनिया में जा चुकी। तो उसमें जो अपोजिशन हैं, वो अपोजिशन में वही होता है या पॉलिटिकल सियासत में वही कमजोर हो जाता है जिसकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कमजोर हो। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ट्विटर और हैंडलर बन रहे हैं, हैशटैग बन रहे हैं, और खान साहब टिकटॉकर से मुलाकातें कर रहे हैं, खान साहब ट्विटरों की एक उन्होंने, मैं हैरान था कि 1300 लोग सूबा सरहद के अंदर हायर किए गए हैं 25,000 रुपया महीने की तनख्वाह पे, जिनका सिर्फ काम ये है कि ट्वीट पे बैठना है और उसको सारा। तो अब ये चैलेंजेस जो हैं जमहूरियत को, इनसे डील करना पड़ेगा, वोटर्स की तरफ तवज्जो देना। अब दूसरा एक जो सोशल मीडिया है कि सियासतदानों की जातियात नहीं, उनके जाती जो लाइफ है वो नहीं रही। अब उनकी हर चीज जो वो खांसते हैं तो लोग उसका जवाब चाहते हैं शाम को भी, ये इसने इस तरह क्यों किया, कपड़े जो पहनते हैं उसका जवाब शाम को वो चाहते हैं क्यों इस तरह हुआ। तो ये एक चैलेंजेस हैं, जमहूरियत इज डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द चैलेंजेस, और उसका सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा अमेरिका के अंदर, तो देखें ना जो पिछली चीजें थी वो रिफाइन होना शुरू हो चुकी हैं। आज मिड टर्म इलेक्शन है, कई लोगों ने उसको अपना रिएक्शन शो करके फर्क कर दिए, कई लोगों को फर्क। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां तालीम का फुकदान है, जहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि जमहूरियत क्या चीज है, वोट कितना स्ट्रांग है, एक मेरा मकसद है कि वो ऐसे फैसले कर देते हैं कि जिसकी वजह से सफर करते हैं। लेकिन भारत के अंदर मैंने कई चीजें प्लस देखी हैं, उसकी आखिरी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा जमहूरियत के हवाले से। आपने कहा कि पंजाब में इस दफा आम पार्टी का आना जो है वो मेरे लिए एक, मैं समझता हूँ कि दिस इज अ गुड एग्जाम्पल कि हाउ जो है वो जो आम पार्टी ने न्यू दिल्ली के अंदर, मैं लास्ट आखिरी दफा जब मैं गया था वहां, तो मैंने कई लोगों से पूछा आम पार्टी की परफॉर्मेंस, तो बिलखसूस एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा था कि मेरे बच्चे, हमारे पब्लिक स्कूलिंग दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी हो चुकी है जो कि एज इक्वल एज प्राइवेट स्कूल। तो एक बहुत बड़ा, केजरीवाल इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब, और इसकी एक ताजा मिसाल है कि उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है और पंजाब ने उनकी रिफॉर्म को एक्सेप्ट किया है, और इस वक्त वो मान साहब है वहां पे। उनकी मैंने एक और बात बड़ी अच्छी लगी, उसको मैं कोट करना पसंद करूंगा कि न्यू दिल्ली के अंदर वो कहते थे कि जो करप्शन करेगा उसकी वीडियो बना के भेजते हैं वो
और उस पर एक्शन लिया जाता है। तो मान साहब ने चैलेंज किया था आगे कि आप जो आपसे पैसे मांगे पैसे उसको दो, लेकिन उसकी वीडियो बनाओ हमें भेजो एंड देन वुड डील विद इट। तो लेकिन ये कि काश इस तरह की चीजें सरहद किस तरफ भी हो, जमहूरियत पले आगे चले, एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना सीखें, एक दूसरे की शिकस्त को एक्सेप्ट करना सीखें, अदम एतमाद अगर वोट आ जाए तो उससे डील करना सीखें। मैं हैरान हूं कि खान साहब स्पोर्ट्समैन है, मेरी खुद की बच्ची जो है नेशनल लेवल की स्क्वाश प्लेयर है, मैं हमेशा उसको एक चीज सिखाई है कि जीत से डील करना सीखो और हार से हार के साथ डील करना सीखो। मेरी बच्ची स्क्वाश प्लेयर एक दो शुरू में रोती थी कई दफा हार के गेम, तो मैंने कहा बेटा यू विल प्ले 50-60 हजार गेमें जिंदगी में खेलोगी, हर गेम पे रोगे बैठ के। तो यही मेरा मशवरा है बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को, खासकर जो जमहूरियत में लोग बैठे हैं, कि हार से डील करना भी सीखो। और दूसरा ये है कि जो हम बात करते हैं हमेशा, ये मैं कहता हूं कि देखें दुनिया ने जंगें करके देख ली, दुनिया ने एक दूसरे ऊपर एटॉमिक पावर्स यूज करके देख ली हैं, लेकिन उनसे निकलता कुछ नहीं है। 21st सेंचुरी, देखें जब बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ इंसान होता है, वो बाद में हिंदू बनता है, बाद में मुसलमान बनता है, बाद में वो मुस्लिम लीग नून का बनता है या बीजेपी का बनता है। तो उस चीज का लिहाज करना चाहिए, एक दूसरे को एज ए इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। और दूसरा मैं एक रिलीजियस चीज ऐड करना चाहूंगा, हालांकि आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि खुदा तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है, वाहे गुरु तक पहुंचना है, तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो। वो हर मजहब ये कहता है कि अगर आपने सुप्रीम बींग तक पहुंचना है तो लव ईच अदर। हर मजहब प्यार का सबक देता है, लेकिन अफसोस के साथ आज हम लोग जो है वो सियासतों में, कदूरतों में, सियासत तो मजहब को कारोबार बना लिया गया है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज रिलीजन has done more damage to the human being versus done any good. लेकिन ये कि मैं खास कर क्योंकि हमारे आज मेजर साहब भी बैठे हैं और हमारे देखने वाले भी काफी सरहद की दूसरी तरफ भी होते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीपल टू पीपल there is so much love regardless of मैं high regards for the major साहब, I mean, you won't imagine how biggest fan I am of this person, the way he speaks, the way he handles that, and it's remarkable. I wish there are more people like you, Major Sahab. Those are living on the ground, and those have harmony and love, and at least they have a will to cross border dialogue or cheezein. I wish people think like that. जी बिल्कुल, और इसी के साथ मैं दोबारा मेजर साहब आपकी तरफ चलूंगी। और मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त मतलब टीटीपी के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें हमारे इधर अटैक्स भी हो रहे हैं, साथ साथ इकोनॉमी भी खराब हो गई है, फॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है वो बिल्कुल ही सभी को मालूम है कि किस हद तक डैमेज है। तो एक तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है आपका पड़ोसी मुल्क, तो इससे भारत को कुछ फर्क पड़ता है? कोई टेंशन होती है कि जी होनी तो वैसे चाहिए मेरे ख्याल से, जाहिर है बिल्कुल साथ ही है कंट्री, तो आपके ख्याल से कोई टेंशन होती है या कोई इस तरह की चीज आप समझते हैं कि कोई नुकसान भारत को भी हो सकता है अगर पाकिस्तान मजीद इस तरह की प्रॉब्लम्स में जाता गया जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ है? अर्जुन जी, जब भी आपके नेबर के यहाँ कुछ परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है कि वो जो शोले हैं, वो जो आग है, वो आपको भी छूती हैं। तो अगर कोई ये बोले कि पाकिस्तान में जो हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है, होता रहा आग लगती रहा हमें कोई फर्क, दिस इज रॉन्ग। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जो असली जिंदगी उसमें ऐसा होता नहीं है। बट ये चीज है कि आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, राइट? आप इसको मैनेज किस तरीके से करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर से पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में, अगर मैं आपका सवाल ठीक तरीके से समझ पाया आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है मैम कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, मैंने कभी उसके पीछे प्लान नहीं देखा। अच्छी चीज भी हो जाती है और बुरी चीज भी हो जाती है, मतलब कि वो यू नो थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, ठीक है, वो जिन्ना साहब का स्टेटमेंट है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी एंड पाकिस्तान डिफेंस पॉलिसी। लेकिन मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा इंटरनेट पे विच सेज दैट ये पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी है, कि आपके मुल्क का सदर है या वजीर आजम है वो
कॉम को बैठा के बताए कि बच्चों ऐसा है, दिस इज द थिंग दैट वी आर डूइंग, या उनको ना भी बताए कॉम को, राइट? तो इसलिए क्या होता है कि पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज नहीं होते पाकिस्तान में. मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थोड़ी सी, हो सकता है बड़ी बचकाना सोच हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि भारत अगर 370-35 से हटाता है तो इमरान खान साहब ट्विटर पे जाते हैं और बोलते हैं कि छोटा आदमी बड़ी कुर्सी पे बैठ गया, हिंदुत्व फासिज्म ये सब बातें करते हैं, लेकिन देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. अच्छा, कहते हैं कि हमें पता नहीं लगा. बीजेपी की तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है इतने सालों से कि जिस दिन हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्लियामेंट में रही हम सबसे पहला काम करेंगे. ये आज से नहीं, वो तो 40-50 साल से बीजेपी कह रहा है. बीजेपी आज से थोड़ा ना कह रहे हैं, बीजेपी की तो मोदी साहब की इलेक्शन स्पीचेस हैं जिनमें बोल रहे हैं. तो नहीं पता था ये तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि वो तो ये कोई. और जो लोग कहते हैं कि आपके टीवी एंकर्स ने ये भी बोला कि जैसे भारत ने साजिश करी है 370-35 से हटा के, साजिश नहीं करी, मुंह पे बोल के जो काम करा जाता है वो साजिश नहीं होती है ना, दैट इज नॉट साजिश. वो तो आपने कर दिया जो आपको करना था. तो मुझे ऐसा लगता है, आपने टीटीपी की बात करी, ठीक है, मैं ऐसे सख्त अल्फाज आपकी शो पे नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग जानवर हैं टीटीपी वाले, ठीक है ना, इनसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझे हो सकता है कोई मजबूरी हो, खान साहब की सरकार की कोई मजबूरी थी, या फिर शहबाज शरीफ साहब की सरकार की कोई मजबूरी हो, एस्टेब्लिशमेंट ने बोला हो, मुझे नहीं पता. पर ये जानवर हैं टीटीपी वाले, इनको तो पकड़ के टाइट करिए सीधी, ठीक है. और एक और बात, मैं डे वन से बोल रहा हूं, जब पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे और बोला था कि नहीं अब तो अफगानिस्तान में आ गए हैं और अब वो कश्मीर लेके देंगे, वो पीटीआई की जो एक मोहतरमा भी थी उन्होंने बोला था टेलीविजन पे कि वो कश्मीर, मैं डे वन से पाकिस्तानियों को ये बात, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे बात हो रही है, कि ये जो ये तालिबान किसी के ये पकड़ में नहीं आने वाले आपके, ये आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को चाहिए थी. हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मरूम जनरल हमीद गुल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड यू नो अफगानिस्तान. आज की तारीख में अफगानिस्तान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ कर रखी है. और इन लोगों को ये समझ रहे थे कि ये लोग तो क्या है, ये तो गुफाओं से आए हैं और अजीब अजीब से इनके भेस हैं और लंबी दाढ़ी लंबे लंबे बाल और रॉकेट लॉन्चर लेके, वो लोग इतने शातिर निकले कि उन्होंने सबको घुमा रखा है. तो मैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी किसी भी मुसीबत के लिए अगर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हो, दैट इज ऑलवेज बेटर. जो वजीर है वो कम बात करें, वो बिल्कुल ना बोले. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, ये मोदी जी ने यहाँ पे कर रखा है, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल टू फॉलो. हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर. और एक चीज जो मोदी जी ने बोल रखी है कि भाई मुंह बंद करो और काम करो, आवाज ना सुनाई दे मुझे किसी की, चुप रह के बस भागते रहो 24 घंटे. मैं वैसे ही टाइट रहते हैं लोग, वरना तो मुझे बुरा लगेगा. आरजू जी आप बताइए, मेरे सामने आपने 200 जर्नलिस्ट खड़े कर दिए, मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है मुझसे सवाल पूछना. आई ऑल्सो फील वेरी गुड, बट इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा. लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि वो टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं, क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब? किस तरह से हो, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है, दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट. आपके जो टेरी के तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है, ट्राइबल एरियाज. वो लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शह अफगान तालिबान की. अफगान तालिबान देखिए, अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से, तो है वहां पे. आप देखिए, अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट. पाकिस्तानी फौज को चाहिए इनको जान से मार के खत्म करें, तब जाके शांति होगी. ये देखिए जानवर लोग हैं ये, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको खत्म करें. एंड पाकिस्तान इज वेल कैपेबल, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेल कैपेबल ऑफ डूइंग इट. जरबियाज था आपका, रदुल फसाद था, आपने करा था, ठीक है, उसका उसका थोड़ा सा कोलैटरल ज्यादा हुआ, कोलैटरल डैमेज. मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनके खास ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बड़े क्लोजली स्टडी करा है फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट. वो दे वर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर दिस थिंग कि टीटीपी की ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी, ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी. इससे पहले कि मैं तार साहब से यही सवाल पूछूं कि क्या वो एग्री करते हैं मेजर साहब से कि टीटीपी के साथ यही सलूक होना चाहिए, मैं ये जरूर बता दूं मेजर साहब कि प्लीज आप लोग कोई एयर स्ट्राइक ना कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास चाय नहीं है. हमारे एक मिनिस्टर ने कह दिया है कि चाय ना पिए फिर आपके पायलट के आएंगे और हमें चाय नहीं हम पिला पाएंगे. क्या कहेंगे तार साहब? मैं आरजू एक तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं किसी चीज के बारे में सोचना या बात करने से पहले उसके माजी देखना चाहिए. अफगानिस्तान का माजी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान का माजी क्या है. ये पहाड़ों के ऊपर रहते थे लोग,
ऊपर अभी भी रहते हैं, नीचे उतरते थे लूट के ना, जो आपके ट्रेड रूट्स होते थे दर्रा खैबर से, उनको लूट के फिर पहाड़ों के ऊपर चल जाते थे। दिस इज फिर वहां से अब देखें, वहां से फिर इन्होंने पाक भारत के ऊपर हमले इंडिया पे किए, यूनाइटेड इंडिया पे आए। मुगल लोग जो कौन थे वो यही थे सारे, यहीं से सारा कुछ आया गया। तो एक तो लड़ाई झगड़ा उनके कल्चर का हिस्सा है, एक दूसरा रशिया को जिस तरीके से रशिया अफगानिस्तान में आया और फिर उससे पैसे बनाए गए, इस रीजन में बहुत लोगों ने पैसे बनाए उससे। अब वो, अब उस जो नई जनरेशन है हमारे, एक तो अफगान माजरीन आ गए, हमने उन डॉलरों की खातर पाकिस्तान बेचा, किस तरह बेचा, हीरोइन ले आए यहाँ पे, कलाशनकोफ हर घर में पड़ी है। मुझे अभी तक याद है जब मैं ग्रो कर रहा था, अफगानी पंजाब के अंदर घरों में आके कलाशनकोफ की डिलीवरियां करते थे। मैं जब इस्लामाबाद में पढ़ता था, जब मैं इस्लामाबाद पढ़ता रहा हूं, उस वक्त इस्लामाबाद के जुमा बाजार में रशियन आपके यूनिफॉर्म बिकते थे वहां। मैंने स्मिरनाफ वाडका इस्लामाबाद में इस तरह बिकता देखा है जिस तरह पानी बिक रहा है। तो उससे पैसा बनाया गया, एक तो वो ख्वाब, वो अब वो पैसा डॉलर अभी भी अभी इस जेल में घूमते हैं वो। कुछ हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनके भी दिमाग में वही डॉलरों की बारिश अभी घूम रही है। और वही अफगानी बच्चे जो मुहाजिरीन कैंपों में जो गुजरे हैं, वो उनका तरीकाकार देखें, वो एज ए बिजनेस लड़ते हैं गर्मियों में, सर्दियों में आराम करते हैं। अब ये अफगानी, आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, ये TTP की बात नहीं कर रहा हूं, यही अफगानी इस वक्त आपको पता सीरिया में पैसों से लड़ रहे हैं जाके, आपको पता है यही अफगानी इराक में $500-$500 $200-$200 लेके महीने का ये वहां पे भी लड़ रहे हैं। आपको यही पता है कि यही अफगानी लीबिया में भी पैसे जाके लेके लड़ रहे हैं। तो ये उनका कारोबार है। अब मैं दो चीजें बताता हूं, माजी के अंदर जब भी पाकिस्तान उनसे किसी चीज पे निगोशिएट करता था, निगोशिएट करने का स्टाइल भी बताना चाहता हूं, वो दो चीजें जब यहां से जाते थे निगोशिएट करने, वो कहते थे अभी लेकर के आए हो, या पैसा दो या असला दो। ये मीटिंग शुरू होने से पहले ये बात तय होती है क्या लेकर आए हो भाई, उसके बगैर तो वो बात ही नहीं करते। तो ये देते रहे मुसलसल। अब मैं वो बात करना चाह रहा था कि ये अटैक करके भाग जाते हैं वापस, ये भागते हैं वापस। पिछली दफा हमारी एयर, इसके ऊपर हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की है, लेकिन साथ क्या हुआ है कि वो जो वहां पे अफगानी मरे थे, आपने उनके पैसे दिए फिर दोबारा, क्योंकि वो टेबल पर बैठते ही नहीं उन चीजों के बगैर पैसों के। तो ये पता है। और दूसरी बात, ये मैं वो मेजर साहब बात, मैं उस पर मजीद क्या बोलूं, मैं समझता हूं अच्छा नहीं होता, जब हम सारी चीजें अपने हाथों से बनाई हो, ये मेरे बदले तालिबान कौन है, अफगान महाजिर मुजाहिदीन कौन थे, ये हमारे हाथों के बने हुए ये सारे, तो इनको बनाया है। अब वो उनके हमारे वो गले पड़ रहे हैं, अब वो चैलेंज कर चुके हैं पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज कर चुके हैं। लेकिन एक मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि जो लोग चीज असेंबल करते हैं उसको डिसमेंटल करना भी वो जानते हैं, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। वो विल कहां से लाएंगे? अब पाकिस्तान आर्मी सलाहियत बहुत रखती है, लेकिन अंदर ग्रुपों में डिवाइडेड है। हमारे आधे तालिबानी माइंडसेट के लोग तो फौज में बैठे हैं, हमारे आधे आर्मी के लोग तो वो चाहते रियासत मदीना बनाई जाए, वो आधे हमारे आर्मी के अंदर बैठे लोग कहते हैं शरिया इन्फोर्स की जाए। हमारा चैलेंज तो ये है, हमें पता ही नहीं। एक तो सबसे पहले इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन फॉर द सब कॉन्टिनेंट, और यहां पे लाकर हमने उसको बिल्कुल उसको समझने की कोशिश नहीं की। हम सुबह उठते हैं, दिल होता है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हैं, शाम को बैठते हैं तो पाकिस्तानी सोच बन जाती, दोपहर को सोचते हैं तो कहते हैं पैसे बना लो। तो मेरा मकसद एक कंफ्यूजन है, एक ऐसा इज़्तिराब है। मैं बहसीते पाकिस्तानी खुद कई, मैं दिल होता है तो मैं कई दफा इस्लाम की तरफ चला जाता हूँ, कई दफा शाम को दूसरी से। मेरे को ये कंफ्यूजन हर पाकिस्तानी के पास है। हर चीज आप 72 तो फिरके बना लिए आपने मजहब के, शिया सुन्नी एक दूसरे को, आप अहमदी अलग है, शिया सुन्नी अलग है, बरेलवी अलग है, कौन कितना मसला आपके नहीं है। लेकिन उसकी बात यह है, हर प्रॉब्लम जो है, मैं समझ मेरी नजर में जो मैं सारी जिंदगी, हर प्रॉब्लम के साथ एक सलूशन होता है अगर आप उसको ढूंढना चाहें। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप पंजाब के अंदर आरजू, अगर आप पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने की सलाहियत नहीं रखते, आप सुकून पंजाब में लाने की सलाहियत नहीं रखते, तो TTP को किस तरह डील करेंगे आप?
वो तो बहुत दूर है भाई, टीटीपी तो बहुत दूर है, डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर है इस वक्त। मुझे ये बताएं शहबाज शरीफ साहब, मैं छोटी सी आखिरी दो मिसालें देना चाहूंगा, आखिरी दो मिसाल। हमारे रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं इस वक्त अपने हमारे इमरान साहब, उन्होंने दो नारे लगाए, हकीकी आजादी और अमेरिका की आजादी। के उन्होंने कहा था अगर अमेरिका की गुलामी करनी थी तो इससे अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना। मैं इन दो स्टेटमेंट्स को काउंटर करना चाहूंगा। खान साहब के दौर में दो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, दोनों आईएमएफ के मुलाजम थे, पीएस पार्टी के दौर के थे। खान साहब ने आईएमएफ को अकोमोडेट करने के लिए लेजिस्लेशन की। आईएमएफ क्या है? एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, यह सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका देता है, उसके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है। अब उसके बाद दूसरी चीज पे जाना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, 3 महीने हो गए उन्होंने अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट नहीं किया। तो इस तरह मुल्क चलते हैं जिस तरह चल रहा है। टीटीपी को डील तब करेंगे जब लाहौर कंट्रोल में होगा, तख्त लाहौर का फैसला होगा। टीटीपी तो बहुत दूर है, टीटीपी वालों, अच्छा मजे की बात है, टीटीपी वालों को जब इन्होंने पता लगा इनको फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उन्होंने कोयले का रेट डबल कर दिया अपना। और आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, 227 रुपए का डॉलर होने की सबसे एक मेन रीजन ये भी है कि यहां से डॉलर सारा स्मगल होकर सारा अफगानिस्तान जा रहा है। और दूसरा कि आपने सिर्फ अफगानिस्तान को हमेशा रुपए डॉलर की नजर से देखा है। गंदम स्मगल आप वहां करते हैं, चीनी स्मगल आप वहां करते हैं, हर चीज। जब भी पाकिस्तान में किसी चीज की शॉर्टेज हुई है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आपको अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। तो जब आप अफगानिस्तान को हमेशा आप एक डॉलर के लेंस से देखते हैं तो फिर फॉरेन पॉलिसी तो नहीं ना, फॉरेन पॉलिसी। मैंने अगले दिन किसी देखे, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ये कुछ बंदा ये सोचे कि मैं शायद पाकिस्तान बैशिंग कर रहा हूं चीजें। मैंने कहा था अगले दिन कि किसी को चाहिए अगर पाकिस्तान ने आगे फॉरेन पॉलिसी चीजें करनी है, जो ये फैसला करने वाला हो, रूलिंग एलीट हो, उसको कम एटलीस्ट ये जरूर चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर का रेज्यूमे पढ़ के किसी फॉरेन मिनिस्टर का इंतखाब किया जाए पाकिस्तान। अगर वो देखे अब पॉसिबल, वो तभी होता है जब आपके पास पॉलिटिकल इक्विटी हो और नेशनलिज्म। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं मेजर गौरव आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा यह जाता है कि आप क्या समझते हैं कि सिस्टम को मजबूत होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को मजबूत होना चाहिए, कौन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे मुल्क सही चले? और दूसरा, पाकिस्तान को आप काफी स्टडी करते हैं, तो आपके ख्याल से इस वक्त मीर जाफर कौन है पाकिस्तान में? देखिए, आपने सवाल ही ऐसा खतरनाक सा पूछ लिया। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो सिस्टम प्राइम मिनिस्टर को अपने आप स्ट्रांग बना देगा। इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रांग, किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो। अमेरिका क्यों सुपर पावर है? अमेरिका इसलिए सुपर पावर है क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत है। कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका, लेकिन सेल्फ करेक्शन एक बहुत बड़ा एक अमेरिकन ट्रेट है कि ये हमारी गलती है, हम इसको सुधार देंगे। तो ये अमेरिकन्स करते हैं। फ्रीडम वहां पे उसकी बड़ी वैल्यू है, वो अच्छे में है बुरे में है वो बाद की बात है। सेकेंड अमेंडमेंट के लिए अमेरिकन जान दिए रहते हैं, ठीक है। अब मैं अग्री नहीं करता, बट आई एम नॉट एन अमेरिकन सिटीजन, मैं कौन होता हूं मैं अग्री करूं ना करूं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फ्रीडम देयर इज एब्सोल्यूट, वो बिलीव करते हैं। यू नो, कहता है लैंड ऑफ द ब्रेव, होम ऑफ द फ्री, ये कुछ ऐसे ही उनका बड़ा एक वहां पे कहना है। मैं आरजू जी एक बात बोलता हूं कि जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है तो मुल्क स्ट्रांग हो जाता है, मुल्क स्ट्रांग होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग हो जाता है अपने आप, ठीक है ना। ये अमेरिका का जो अमेरिका स्ट्रेंथ इज नॉट इन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिका स्ट्रेंथ इज इन इट्स पीपल एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। वो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। जो अमेरिका के 11-12 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो अमेरिका की ताकत नहीं है। जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट है, जो इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है, जो अमेरिका में जो कल्चर की, वो अमेरिका का पावर है। कल अगर अमेरिका को, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, पर कल अगर अमेरिका के पास कुछ नहीं रहता, इनमें इतनी सलाहियत है कि जमीन से फिर आसमान तक अपने आप को ले आएंगे 20-30 साल के अंदर। ये सलाह, क्योंकि वहां पे कल्चर ठीक है, सो इंस्टीट्यूशंस ठीक है, तो वो कर लेंगे अपने आप। बात ये, मुझे देखिए, मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं फिर से बताता हूँ। मैं आरजू जी लंच पे था एक सीनियर जनरल के साथ इंडिया में, और एक सीनियर डिप्लोमेट के साथ, दोनों रिटायर्ड, 10-11 साल पहले रिटायर हो चुके हैं वो लोग। और मैंने उनसे बात करी जब इमरान खान साहब जीते थे पंजाब के इलेक्शन में, 15 सीटें 20 में से बाय पोल्स में जीते थे। तो उन्होंने बोला कि यार जो, और मैं अग्री करता हूं क्योंकि मेरी भी यही थॉट्स थी, उन्होंने बोला कि जो इमरान खान डैमेज कर रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने छोड़ा,
पार्लियामेंट को उन्होंने छोड़ा, इकोनॉमी को उन्होंने छोड़ा, फौज को उन्होंने छोड़ा, उन्होंने सबको निपटा दिया एक शॉट में। और आज की तारीख में, आज की तारीख में आपकी एस्टेब्लिशमेंट वाले चुप हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट मतलब यू नो कि दे आर वेरी टेंटेटिव अबाउट दिस होल थिंग कि हो क्या रहा है, राइट? आपने अभी पूछा ना तारण साहब से, आपने बात करी थी कि इमरान खान क्यों जीतने के बाद भी क्यों इमरान खान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने तैयारी उस स्क्रिप्ट की करी थी कि रिजल्ट आएंगे मैं अल्लाह करूंगा, अब वो जीत गए तो उन्होंने स्क्रिप्ट तो बदली नहीं कि भाई मुबारक हो मुबारक हो, उन्होंने बोला नहीं हाय हाय क्यों, वो एक्सपर्ट हाय हाय मैं कंटेनर पे तो चढ़े हुए थे, कंटेनर पे उतरे नहीं नीचे वो जीतने के बावजूद। तो ये बात है मेरे हिसाब से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शायद यही बात लग रही है। कुछ आप कहना चाह रहे थे तारण साहब? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं वो मिस कर गया पॉइंट पिछली दफा कि खान साहब ने तैयारी कर रखी है फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ, तो उसके लिए उनका नैरेटिव फिट बैठता है कि अदम एतमाद इनको ऐसी फजा कायम की जाए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि ये जो काम करते हैं ये दो नंबर करते हैं, ये जो कुछ है सारा कुछ, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस एक ऐसा केस उसका फैसला है कि वो जब उसका रिजल्ट आएगा तो खान साहब की बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी। लेकिन दूसरा उसमें अब देखें किस रुख जाता है पाकिस्तान, जिस तरह मैं एग्री करूंगा मेजर साहब से कि कभी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं या इस तरह को पहले खामोश नहीं रहे। मैं जिस तरह के अब इनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अनोखा लाडला, जिस तरह लतीफ जावेद लतीफ साहब ने अगले दिन फरमाया था कि अभी तक लाडला है। अब देखिए पाकिस्तान, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरी फीलिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, और इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमजोर है, और मैं उसके लिए मेरी दुआएं भी हैं और सोच भी है कि बेहतर हो। अब देखें कहते ऊंट किस रुख बैठते हैं, बिल्कुल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन खैर हमारी दुआएं कि कुछ बेहतरी आए और दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी सब लोग खुश रहें और आराम से रहें। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, और थैंक यू मेजर साहब, ह्यूज फैन ऑफ यूर। थैंक यू सर, ह्यूज फैन, थैंक यू सर, ह्यूज फैन ऑफ यूर सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह हम आपके लिए नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, जय हिंद जय भारत।